सो गर्ल्स एंड बॉयज़, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि कल का जो हमारा वीडियो था, मतलब आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। हाँ गाइस, इस वाले हमारे वीडियो पे। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हमारा जो कल का वीडियो था, आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। हाँ, ये वाला। तो इस वीडियो में मैंने 100 वर्ड कितनी बार बोला है, यस ओ सो वर्ड का इस्तेमाल मैंने कितनी बार इस वीडियो में किया है, जो काउंट करेगा और मेरे हमारे कल के वीडियो में, जो टुमारो को जो वीडियो आएगा उस वीडियो में सबसे पहला सही कमेंट करेगा उसको मैं मेंबरशिप दूंगा। सो आज की वीडियो के ऊपर बढ़ते। चलो गाइज, आप आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ गोल्ड या सिल्वर, आपकी जो भी रैंक है, आप उससे हीरोइक तक कैसे जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में। तो चलो आज की वीडियो डिस्कस कर लेते हैं। ओह माय गॉड, मैं देख रहा हूँ गाइज, ग्रैंड मास्टर पे था मैं, तो ग्रैंड मास्टर प्लेयर हूँ यार, तो सुनो कम से कम। तो गाइज, आपको सबसे पहले दो गलतियाँ, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, आपको दो गलतियाँ बिल्कुल भी करनी नहीं है। एक तो आपको सोलो रैंक बिल्कुल भी खेलना नहीं है, और डो रैंक भी हो सके तो खेलना टाल दो, क्योंकि आपका बहुत लॉस होगा उससे। क्योंकि आप अगर जब आप सोलो खेलोगे तो एक मैप है, सपोज़ हमारा बरमूडा मैप है, तो उसमें कम से कम 12 प्लेसेस होंगे, शायद 12 एवरेज प्लेसेस पकड़ लेते हैं अपन, और 12 प्लेसेस में 50 बंदे होते हैं सोलो मैच में। तो 50 बंदे अलग अलग टीम्स होती है, मतलब 50 टीम्स होती है, सो 50 टीम्स अलग अलग प्लेसेस पर उतरेंगी, और कितना भी चाहो तो कुछ कैंपर समंदर में उतर जाएंगे पानी में, कुछ प्लेन मतलब कुछ घरों के टॉप पर उतर जाएंगे, कुछ किधर भी उतर जाएंगे, और बाकी को तो मतलब प्लेसेस में आना ही ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल पीक, क्लॉक टावर, इसमें तो नहीं आते रैंक में ज़्यादातर बंदे, पर हंगर वगैरह साइड सब तरफ मार्श इलेक्ट्रिक वगैरह, शिपयार्ड, बुलजाए, सब किस किस के नाम बताओ यार, किधर भी तो बंदों को उतरना है ना। तो फिर उसके लिए क्या सोलो रैंक मैच में आपका बहुत लॉस होगा, क्योंकि आप जिधर भी उतरोगे उधर सभी तरफ बंदे ही बंदे होंगे। आप जिधर उतरोगे आपके साथ 3-4 बंदे ऑलरेडी आएंगे, आप एक प्लेस पकड़ोगे उधर आपको आप उतरने का मतलब डिसाइड करोगे तो उधर पहले से आपके पीछे 2 या 3 टीम्स आएंगे, 2 या 3 बंदे आएंगे। वैसे बात की जाए तो आप अलग किस किधर खुले प्लेस में भी उतरे तो आएंगे यार, कहाँ से भी आके मार जाते हैं सोलो में। अगर फिर अगर आप और कॉन्फिडेंट हो और फिर खुद पे आपका मतलब बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पर, तो खेल सकते हो, नो प्रॉब्लम है, खेल सकते हो आप सोलो। और डो का भी वही प्रॉब्लम है, डो का इतना नहीं, डो में 50% चांसेस है वैसा होने के, मतलब डो में इतना नहीं होगा, पर गाइस डो में भी आप देख सकते हो ओवरऑल 25 टीम्स होती है पूरे मैच, टीम में प्लेयर्स तो 50 होते हैं पर टीम्स 25 होती है, और वो अलग अलग प्लेसेस पर उतरना उन्होंने मतलब डिसाइड भी किया आपने, तो 12 प्लेसेस में से एक प्लेस में तो दो दो टीम्स आनी है ना, एक आधी टीम्स इधर उधर उतर जाएंगी ठीक है, पर कुछ कुछ स्कॉर्स मतलब आपकी टीम अगर आपका लक अच्छा होगा तो नहीं आएंगी ठीक है, पर अगर टप टीम आ गई आपके सामने एक ही प्लेस में एक ही जगह उतरी तो फिर माइनस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्क्वाड में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्क्वाड में कैसा होता है कि स्क्वाड में मैक्सिमम 14 स्क्वाड होते हैं ठीक है, वैसे 12 ही होते हैं पर 14 पकड़ लेते हैं अपन कभी कभार, 14 भी आ जाते हैं, तो 12 स्क्वाड्स में 12 अलग अलग जगह पर उतरेंगे और अच्छी तरह लूट करेंगे, एक आधा स्क्वाड इधर उधर उतर जाएंगे, कुछ कुछ प्लेसेस में तो स्क्वाड उतरेंगे भी नहीं, और आप कल्टी मार सकते हो, मतलब आप जिस प्लेस पे उतर रहे हो उधर कोई दूसरा स्क्वाड आने लगा तो आप चेंज कर सकते हो आपकी प्लेस, और अच्छी वाली लूट करके फिर रैंक पुश कर सकते हो। और स्क्वाड का दूसरा एक फ़ायदा है कि अगर आप मर भी जाते हो तो आपके जो 3 टीममेट्स बचे हुए रहते हैं वो भैया निकल सकते हैं, या फिर आपकी पुश तो वो करने वाले, अगर आपके टीम में 2 बंदे भी मर गए तो 2 पुश करेंगे, और अगर 3 बंदे भी मर गए तो 1 बंदा पुश कर सकता है, पर सोलो में ऐसे चांसेस नहीं है दोस्तों। सो पहली बात तो 10 दिनों में हीरोइक पे जाना बहुत आसान है, सो कुछ पॉइंट्स है वो बस आपको फॉलो करने हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको बस डेली मिशन होता है गाइस, आपने अभी देखा होगा डेली मिशन होता है, तो आपको डेली मिशन बस दिखाता हूँ मैं आपको आगे। सो डेली मिशन मतलब आप अगर टॉप 15 के अंदर आ जाते हो एक किल करके, मतलब एक किल आपका और एक बंदे को मार दिया आपने सपोज, और फिर टॉप 50 के अंदर आ गए तो आपकी प्लस मैक्सिमम होंगी, सो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्लस होंगी, सो आपको उसका भी स्कोर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर गाइज वो गलती आप पहली बात तो ये करो कि मतलब वो गलती करो मत, कौन सी गलती कि बस टॉप 50% में मत आओ और एक ही किल मत करो, अगर आपको डेली मिशन ही कंप्लीट करना है अच्छी तरह से तो ट्राई करो यार, पूरा जोर लगा दो टॉप 5 के अंदर आने का, टॉप 3 के अंदर आ जाओ, और 2-3 किल होने चाहिए मैक्सिमम, 3 किल आपके 3 तो किल होने ही चाहिए, और टॉप 3 के अंदर आने का ट्राई करो यार, झूठ नहीं बोलूँगा, जब तक आप डायमंड तक नहीं पहुँच जाते, आप सिल्वर गोल्ड या फिर जो भी आपकी रैंक है उधर उससे लेकर डायमंड तक अगर आप डेली मिशन अच्छी तरह करोगे तो आपका 50 के ऊपर ही प्लस रैंक होगा, रैंक आपका 50 के ऊपर ही प्लस होगा, और अगर आप उसे अच्छी तरह नहीं करते हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं ना यार,
तो ऐसा नहीं चलेगा ना। और आपको पहली बात तो ध्यान रखना है कि आपको स्क्वाड सही से चुनना है, मतलब आपके स्क्वाड में एक स्नाइपर होना ज़रूरी है। अगर टूर्नामेंट के हिसाब से आप खेल रहे हो या फिर टूर्नामेंट के आपकी मतलब इच्छा है कि आगे जाके हम टूर्नामेंट्स खेलेंगे, कुछ नाम कमाए, इतना खर्चा करते हो गेम में, सब इवेंट्स वगैरह जो आते हो सब निकालते हो, कुछ तो कर दिखाने का वक्त है ना। तो रैंक आपके टूर्नामेंट्स के जो प्रैक्टिस है वो रैंक में ही हो जाएंगे यार। रैंक खेलो, आप बस रैंक खेलो, बाकी कुछ खेलने की ज़रूरत नहीं है। और एक आपकी टीम में एक स्नाइपर होना ज़रूरी है, और दो रशर्स तो चाहिए ही चाहिए, दो रशर्स, एक एआर प्लेयर अच्छा चाहिए, एक जो कि ड्रैगर हो, अच्छा ड्रैगर हो एआर। और ट्राई करो मैं हाई डैमेज के गन्स, मतलब हाई डैमेज के गन्स मैं आपको प्रेफर करूँगा। फॉर एग्जांपल वुड पिकर, ड्रैगोना, वुड पिकर का रेट ऑफ फायर थोड़ा कम कर दिया, रिकॉल भी कम, रिकॉल बढ़ा दिया उसका, पर कोई बात नहीं, फिर भी अभी भी ठीक ठाक चलती है और बहुत तगड़ी चलती है। सो ड्रैगोना मिले तो छोड़ना ही मत, एक स्नाइपर होना चाहिए आपके टीम में, एक स्नाइपर ज़रूरी है। और अगर एक प्लेयर एसएमजी है, मतलब एमपी, यूएमपी या फिर MP5 जैसी गन्स उसे पसंद है या फिर वो परफेक्ट है, माहिर है उसमें, तो एक आपको शॉटगन वाला भी लेना चाहिए। हाँ याद रखना दोस्तों कि आपके टीम में एक शॉटगन प्लेयर और एक एसएमजी प्लेयर चाहिए, एक स्नाइपर चाहिए और फिर एक, ठीक है, एक कवर देने वाला तो चाहिए ही चाहिए। सो आपकी टीम आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है पहली तो। और हाँ गाइज, साथ में रहना सीखो गाइज, आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब रश मत मारो गाइज, पहली बात तो ये, रश मारना टाल दो। डायमंड तक आप जब तक डायमंड पे नहीं पहुंच जाते तब तक आप रश खेल सकते हो, पर गाइज जब आप डायमंड पे पहुंच जाएंगे तो बंदे बहुत टप आने शुरू हो जाएंगे, मतलब डायमंड 3 से ऊपर। तो आपको ख्याल रखना है कि स्क्वाड में तो माइनस होने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, पर रश नहीं मारना, आपको कैंप करके ही खेलना है, कैंपिंग करके ही खेलना है और पोजीशन बना के ही खेलना है। अगर आप सोलो या डुओ खेलते हो तो फिर आप जोन टू जोन खेल सकते हो, जोन टू जोन ही खेलना है आपको, क्योंकि जोन के बीच में तो बंदे पेलेंगे, मतलब कभी भी पेल सकते हैं। और जब आप स्क्वाड खेलते हो तो जोन टू जोन आपको खेलना नहीं है दोस्तों, जोन टू जोन मतलब जोन के, आपको मतलब जोन के बाउंड्री पे नहीं खेलना, आपको जोन के अंदर चले जाना है। जब भी सेफ जोन हमारा आ जाता है तो हमें जोन के अंदर चले जाना है, और जोन प्रेडिक्ट करना सीखो यार। कोई तो एक लीडर बनाओ आपकी टीम का जो कि अच्छे से लीड कर सकता है, अच्छे उतरने के लिए अच्छी प्लेस डिसाइड कर सकता है, आपको मतलब सही रास्ते पे ले जा सकता है, उसको ऐसा चूज़ करो यार और उसकी बात सुनो और साथ रह के खेलो। नहीं तो एक इधर लूट कर रहा है तो दूसरा पिक पे तो तीसरा क्लॉक टावर पे, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे इससे टीम डिसबैलेंस हो जाएंगी और कई तो कम पड़ जाओगे आप। सो ऐसी गलतियाँ मत करना, और फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं यार, आपको बस दिन में आप कम से कम 4 या 5 रैंक मैचेस भी खेले तो चलेगा, पर गाइस याद रखना माइनस नहीं होने देनी, आपको एक मैच भी माइनस नहीं होने देनी। अगर एक आधी मैच माइनस हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी भरपाई आप अगले मैच में कर देना, मतलब उसी दिन उसकी भरपाई कर देना, अगले दिन तक मतलब इंतज़ार मत करना। और ध्यान रखना यार कि माइनस नहीं हो, और स्क्वाड अच्छे हो तो माइनस नहीं होंगी, पर स्क्वाड अगर बुरा हो तो हो चांसेस एक टक्का चांसेस है, बस 1% चांसेस है माइनस होने की, ज़्यादा नहीं है स्क्वाड में। और स्क्वाड में मतलब एक दूसरे से भिड़ते नहीं है कोई इतनी जल्दी, क्योंकि स्क्वाड्स में टीम्स कम होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, बस आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप दिन में कम से कम 5 मैचेस प्लस करते हो कंटिन्यूसली और 10 डेज तक, मतलब 10 दिन आप कम्प्लीटली, मतलब रोज़ 5-5 मैचेस कम्प्लीट करते हो, 30 से मैक्सिमम आपका 30 से ज़्यादा प्लस होना चाहिए हर रोज़, मतलब एक मैच में, पर सॉरी गाइज, अच्छा एक मैच में आपका 30 से ज़्यादा प्लस होना चाहिए। सो डेली सबमिशन तो आपको मैंने बता दिया कैसा करना है, तो मैक्सिमम 40-47 आपको बुया निकालने का ट्राई करना है। और अगर आप 5 मैचेस अच्छे निकाल लेते हो एक दिन में तो आप कुछ मुश्किल नहीं है यार, कुछ मुश्किल नहीं है, 10 दिन में आप आराम से हीरोइक पे चले जा सकते हो। और 10 दिन आपका ये सीज़न भी बहुत बड़ा है, ये जून तक चलने वाला सीज़न है गाइस, तो बहुत बड़ा सीज़न है, आप आराम से हीरोइक पे चले जा सकते हो। पर अगर आपको जल्दी जाना है तो मैंने आपको जो बातें बताई वो आप फॉलो कर देना, बहुत बातें फॉलो करना सॉरी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो ना यार, क्या कर रहे हो तुम, मतलब कितने आलसी हो, मतलब सिर्फ टुकुर टुकुर वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाने का भी आलस है तुमको, जाने दो। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, कुछ बातें मेरी मिस हो गई तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे लाइक करके ही चले जाना। मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, और मैं हर रोज़ बुइया पे भी स्ट्रीम करता हूँ और स्ट्रीम पे गिवअवेज वगैरह भी होते हैं गाइस। जस्ट टॉक हवर नाम की स्ट्रीम करता हूँ मैं हर रोज़ शाम, तो आप आ सकते हो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और सबके मतलब स्ट्रीम में आ सकते हो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, और आपके जो जो प्रॉब्लम्स है फ्री फायर से रिलेटेड आप सबसे शेयर कर सकते हो, बातें कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। और फिर से एक बार बता रहा हूँ, कल शायद 2 दिन पहले का वीडियो है, मैंने आपको दिखा दिया, तो उस वीडियो में मैंने
100 वर्ड का इस्तेमाल कितनी बार किया वो काउंट करके आपको मेरे कल के आने वाली वीडियो में कमेंट करना है। और जो भी सही कमेंट, तो बहुत सारे करेंगे, पर जो भी कमेंट सबसे पहले सही करेगा, सही कमेंट सबसे पहले करेगा। और हाँ गाइस, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो वीडियो समझ में नहीं आया होगा वो कौन सा है, सो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी मैंने। और बाय।